हेलो, मैं डॉक्टर आशा चौधरी। आज हम गर्भ में बच्चे की पोजीशन के बारे में जानेंगे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट मानी जाती है। पहली होती है एंटीरियर पोजीशन, दूसरी होती है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, तीसरी होती है ब्रिज पोजीशन, चौथी होती है ट्रांसवर्स लाई पोजीशन। अब इनमें से नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी पोजीशन अच्छी होती है उसके बारे में अपन जानते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एंटीरियर पोजीशन सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि बर्थ केनाल की ओर उसका सिर और माँ के पेट की ओर थोड़ी सी मुड़ी हुई उसकी पीठ, इस तरह की स्थिति आदर्श होती है और इससे बच्चे का जन्म जल्दी होता है। बच्चे का सिर सर्विक्स पर दबाव डालता है जिससे वह चौड़ा हो जाता है, जिससे ही आप पुश करना शुरू करती है, बच्चे के सिर का सकरा भाग पहले केनाल में आ जाता है एवं इसे और चौड़ा करता है और अंत की ओर पूरा सिर पेल्विस के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और आपकी प्यूबिक बोन में नीचे खिसक जाता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है। आप बर्थ बॉल से एक्सरसाइज करके नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर सकती है।